फ्लावरिंग प्लांट, पिटूनिया के कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ अलग अलग और कलर हैं इनमें, और एक मेरा यूनिक सा आइडिया जो लहसुन है उसको इस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं। और इधर ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये घड़ा है, इसमें मैंने अब से लगभग मतलब बरसात से पहले गर्मियों में एक बार मैं इसमें जो लीप कंपोस्ट है वो वेस्ट से तैयार कर चुका हूँ मैं, और इस बार भी मैं काफ़ी व्यस्त था तो लेकिन अब मैंने शुरू किया है दोबारा, जो मेरी पत्तियाँ निकलती हैं गार्डन से जितनी भी सूखी पत्तियाँ हैं वो मैं इसमें डालता रहता हूँ। आप देख रहे हैं इसमें डली भी हैं, तो उससे क्या होगा कि एक तो हमारा जो वेस्ट है वो सारा बाहर नहीं फेंकेंगे हम और गंदगी नहीं होगी, दूसरा उससे हमें डबल फ़ायदा मिलेगा, जो हमारा कंपोस्ट तैयार होगा वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अपने गार्डन के लिए, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने ये अब दोबारा फिर से इसको तैयार करना शुरू कर दिया है। बाकी एक और दिखाता हूँ मैं, ये मेरा अडेनियम का प्लांट है ये, और काफ़ी कई सालों से मेरे पास, मतलब ये लगा लो कि चार पाँच साल से मेरे पास है ये, और इस बार इन पर फ्लावर के बाद ये देखिए सीड स्पॉट बने हैं और इस पर सीड्स इस बार बने हैं, तो ये देखिए, और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि इसके जो सीड्स आएंगे तो फिर मैं उनको लगाऊंगा, मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी हो रहा है। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो मेरा ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे ये सैकुलेंट्स में आता है, और इसकी जो कहानी है वो बड़ी अजीब सी है। ये मैंने काफ़ी दूर से मंगाया था और उसके बाद एक नहीं, मैंने काफ़ी सारे प्लांट मंगाए थे लेकिन उनमें से ये सिर्फ इकलौता बचा हुआ था, और ये भी किस लिए बच गया कि इसको मैंने, जब मैं बिल्कुल परेशान हो गया था तो मैंने उठा के इसको अलग से रख दिया था कि मेरे बस का अब तो ये सैकुलेंट्स लगाने नहीं है, तो जब ये पड़ा हुआ था ऐसे ही, ये देखिए, तो इस तरह से ये पड़ा हुआ था, तो उसके बाद ये चलता रहा और लगभग 3-1 साल हो गए होंगे जब से ये इस तरह से ही है, और इसमें आप देख भी रहे होंगे अभी जो नई लीव्स इसमें पड़ी रहती हैं उन लीव्स के भी नए प्लांट अपने आप ही बन जाते हैं। ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, एक लीव्स ये भी है, ये देखिए, तो आपको उम्मीद है कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये लीव्स जो है इससे भी एक छोटा सा प्लांट तैयार हो गया है, तो इस तरह से ये अपने आप ही बढ़ते जाते हैं। पहले एक ही प्लांट था ये, अब ये देखिए ये कितने सारे इसमें प्लांट हो गए हैं, तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर, तो इसको मैं वहीं रख देता हूँ। बाकी सारी मेरी ये कटिंग है लगाई हुई, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था कोलियस, और ये भी कटिंग से लगाया था, और इधर भी एक देख रहे होंगे आप छोटे से मटके में, ये भी कटिंग से लगाया हुआ है, ये भी सारे अच्छे से चल रहे हैं, और एक ऐसे ही पड़ा हुआ था स्नेक प्लांट, तो मैंने इसमें ऐसे छोटे से पेंट के डब्बे में डाल दिया था, और आज इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है, ये देखिए, ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है स्नेक प्लांट, और इसके फ़ायदे बहुत हैं, इसको अप्रूवल मिला हुआ है नासा से भी शायद कि ये बेस्ट एयर प्योरीफायर जो है वो होता है, और ये अपने घरों में भी लगाते हैं, अपने बेडरूम वगैरह में मैंने भी लगाया हुआ है। ये मेरी ब्रह्म कमल की बेल है, ये देखिए, ये पर्पल कलर की है, और एक बेल मैं और लेकर आया था उसकी, वो ये देखिए मैंने ऊपर से चढ़ाया हुआ है इसको तार पे, ये भी ब्रह्म कमल की है लेकिन इसका जो कलर है वो रेड है। जब इस पर आगे फ्लावरिंग आएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, और आपको जो इसका फ्लावर है वो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी एक ये प्लांट है मेरा अश्वगंधा का, और ये मेडिसिनल प्लांट होता है, मेरे पास कई सारे मेडिसिनल प्लांट है जिसमें अश्वगंधा हो गया, आपका लेमन ग्रास हो गया, आपका करी पत्ता हो गया, और आपके जो और कई तरह की तुलसी हैं, वो काफ़ी तरह की तुलसी मेरे पास है गार्डन में। बाकी गिलोय की बेल है, वो मैं उसको लगा नहीं पाया अभी, ला के रखी हुई है ऐसे ही। और ये मेरा पाम का जो पौधा है वो है, पाम पहले मेरे पास था वो सूख गया था लेकिन मैं फिर इसको दूसरा लेकर आया था एक, और इसकी ग्रोथ काफ़ी बेहतर है। तो इधर मेरा ये देखिए, ये जो मिनी वाला ओरेंज है वो मिनीचर ओरेंज ये है, और ये काफ़ी
मतलब प्लांट तो मेरे पास काफ़ी दिनों से है, ये काफ़ी खट्टा भी होता है, मतलब हम खा भी नहीं सकते, एक अगर खा लें तो कई दिनों तक आपके दांत खट्टे रहेंगे। हालांकि टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने गुड़हल की कटिंग कर दी थी अभी, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था ये, और ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। देखिए बोगनविलिया का प्लांट, इधर स्नेक प्लांट है, इधर ये मेरी अंजीर है, अंजीर का पौधा मैंने लगाया हुआ है, और इधर सारे छोटे छोटे से मेरे प्लांट रखे हुए हैं, काफ़ी पुराने प्लांट हैं। ये मैंने एक कोशिश की थी कि बोनसाई बनाने के लिए, तो ये चल रहा है अभी। बाकी ये जेड प्लांट मेरे काफ़ी लंबे समय से हैं, मतलब जब से मेरा गार्डन है ये यहाँ पर इस जगह पे 4-5 साल से, तब से ही मेरे साथ हैं ये। और इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, मतलब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। ये देखिए बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो इधर ये मेरा पारिजात का है, और इधर ये लेमन वाली तुलसी है। बाकी सारी जो और तुलसी हैं हमारी, वो सारी इधर हमने अब शेडी एरिया में रख दी है, क्योंकि सर्दी का टाइम है। ये देखिए बाकी जो मेरी ऊपर ये दीवाल है, उसके ऊपर सारे जो नॉर्मली रहते हैं वो प्लांट हैं। बाकी अपराजिता है, ये देखिए वाइट वाला अपराजिता फ्लावर इस पर अभी नहीं है, क्योंकि इस पर जो फलियाँ थी वो बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो हम हटा नहीं पाए, इस वजह से इसकी ग्रोथ रुक सी गई है, तो फलियों को हटाना ज़रूरी है। बाकी गेंदे देख रहे होंगे, ये वही अच्छे वाले गेंदे हैं। ये देखिए बड़े यूनिक से कलर हैं ये, और इनकी जो खुशबू है वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि क्या बताएं। आजकल के जो वेरीगेट ये और दूसरे तरह के गेंदे आ रहे हैं मार्केट में हाइब्रिड वाले, उनमें तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं होती है, तो मुझे तो यही पसंद है। और मैंने सारे ये प्लांट यही लगाए हुए हैं, और अपने ये बीज से अपने आप ही उग जाते हैं, एक आध जो फूल होता है सूखने के बाद हम इसमें छोड़ देते हैं, तो उससे जो नेक्स्ट सीजन होता है उसमें ये अपने आप उगाते हैं। बाकी इधर ये प्याज लगाई हुई है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा किचन गार्डन है पूरा, इधर ऐसे ये देखिए, ये इधर से पूरा किचन गार्डन है मेरा, और इधर आप देख भी रहेंगे ये ब्रोकली लगाई हुई है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। बाकी ये मूली है, और शलजम है, और गाजर है, और धनिया है, और चुकंदर है, और ये पालक है, ये लाल वाली राई सॉरी चुलाई है ये लाल वाली। बाकी इधर मटर के कुछ 2-4 पौधे लगे हुए हैं इधर, और सेम है काफ़ी और मतलब 20 से ज़्यादा प्रकार की सब्जियां हमारी छत पर फ़िलहाल उग रही हैं, तो वो अलग एक मैंने वीडियो बना के डाला था। ये देखिए ये मेथी है, और ये मेथी भी हमने एक ये इस तरह का ये टब पड़ा हुआ था पुराना, ये देखिए उसमें ही उगाई हुई है, और ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कुछ तरह का कोई केमिकल नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र हमने नहीं डाला। और ये इसका जो उगी हुई है ये देखिए कितनी अच्छे से उगी हुई है। और मटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मटर आप, तो काफ़ी अच्छी लग रही है, और ग्रोथ बहुत बढ़िया है इसकी। तो इस तरह से ये पूरा गार्डन है हमारा, इधर ये देखिए का प्लांट है यहाँ पर ये, और इसकी फ्लावरिंग इस पर आई हुई थी, ये देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये मैंने अभी उगाया हुआ है वीट ग्रास, ये देखिए, और ये ब्लैक वाला वीट है, आप इसकी स्टैम्प देख रहे होंगे ना, ब्लैक ब्लैक सी दिख रही है, ये वीट भी ब्लैक वाला है वीट ग्रास, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है इसका सेवन करना, तो मैंने इसको उगाया हुआ है। और बाकी ये मेरा पुटूनिया है, आप देखिए ग्रोथ, और ये मैंने 2 प्लांटर खरीदे थे, इसको भी मैंने एक वीडियो में डाला था, ये देखिए एलिफेंट प्लांटर हैं ये, और ये भी पिटूनिया है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो अभी समाप्त करते हैं। बाकी ये मेरे परमानेंट प्लांट मैंने यहाँ पर रेलिंग के सामने रखे हुए हैं, बोगनविलियाज हैं, और एक मेरा बड़ का प्लांट है इधर, ये देखिए। और हाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मेरे जो लेमन का जो प्लांट है ना, उस पर नींबू देखिए आप कितने हैं, कितने भर भर के लेमन आए हुए हैं, ये देखिए गुच्छों में,
ये देख रहे हैं आप कितने भारी लेमन इस पर आए हुए हैं, और जो पूरा प्लांट है ना वो बिल्कुल लद गया है। तो ये देखिए, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेमन है, बड़ा ही प्यारा इसका टेस्ट है, यूनिक सा टेस्ट है अलग से। मैं दूर से लेकर आया था इसको, काफ़ी और कॉस्टली मुझे मिला था, लगभग 250 रुपये का ये प्लांट था। तो कैसा लगा आपको ये मेरा ओवरव्यू, कमेंट से करके ज़रूर बताना, अच्छा लगेगा। क्योंकि जो मेहनत है हम कर रहे हैं वो, अगर उसका आप लोगों को अच्छी लगती है तो बड़ा ही आनंद मिलता है और बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो व्यूअर हैं जितनी मेहनत हमने की है उनको अच्छा लगा है। तो कमेंट से ज़रूर करना। बाकी मैंने पूरा अपना गार्डन दिखा दिया है, और जो मेरा वेजिटेबल गार्डन है वो आप ज़रूर से देखना, मैं उसकी जो वीडियो है ऊपर आई बटन में दे दूँगा आपको। और ये हाँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको, मैंने ना इस बार मैंने कुछ सीड्स मंगाए थे, और वो जो सीड्स थे वो कुछ सुपर फूड के थे, जैसे पाक चोई हो गया, सैलरी हो गया, इस तरह से 5 चीज़ें थी, दो ही मेरे याद है फ़िलहाल उनके। मैंने ये सीड्स बोए हैं, इनसे कुछ तो जर्मिनेट हो गए हैं, बाकी कुछ और नहीं बाकी हैं, तो इनकी अपडेट मैं आगे ज़रूर दूंगा। और बाकी ये मेरी सैपलिंग्स हैं, ये जो मेरे गेंदे हैं, देखिए गेंदों को मैंने इस बार कटिंग कर दिया है, तो इनकी ग्रोथ बहुत निखर के आएगी। बाकी ये सैपलिंग्स हैं, छोटी छोटी पौधे, अभी ग्रोथ इनकी चल रही है, ये देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी मेरी एक और नई वीडियो आई थी अभी स्ट्रॉबेरी प्लांट को लेकर, तो ये मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट है और आप ग्रोथ इनकी देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी है, तो इनकी भी आगे वीडियोज आती रहेंगी। बाकी ये मेरे, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी आनंद आएगा आपको। और बाकी आपका इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे, ये ऐसे ही कारवा चलता रहे और हम ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही कुछ छोटी मोटी जानकारी हमारी आपके काम आती रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और प्यार देने के लिए।